आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। और उसमें हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था, शुरू किया था आपका लिंग निर्धारण। और आपको ये भी पता है लिंग निर्धारण तीन तरीकों के से हो सकता है। पहला तरीका था पर्यावरणीय, याद है जादू सा हो रहा था, ज़्यादा तापमान है तो नर होंगे, कम है तो मादाएं होंगी, है ना, या फिर ओफायरोटोका, बचपन में नर होता है, बड़े होके मादा बन जाता है ना, तो या फिर अंडा अगर सुनसान स्थान पे फूटता है बोनीलिया का या क्रिपिडुला का तो उसमें से मादा निकलती है, और पहले से मादा के संपर्क में फूटता है तो नर निकलता है। दूसरा था जीनिक, लिंग का जीनिक निर्धारण, ठीक है, उसमें जीन्स हैं जो लिंग का निर्धारण करते थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, भुट्टे में दो जीन होते हैं, एक नर पुष्पक्रम और दूसरा मादा पुष्पक्रम का निर्धारण करता है। और तीसरा था लिंग का गुणसूत्रीय निर्धारण, उसमें आपने चार विधियां पढ़ी थी, एक्स वाई विधि, एक्स जीरो विधि, जेड डब्ल्यू विधि, जेड जीरो विधि, याद है। उसकी पांचवी विधि रह गई थी जो हम आज शुरू करेंगे और जिसका नाम है अगुणता द्विगुणता, माने हैप्लो डिप्लॉइडी। अगुणता द्विगुणता माने हैप्लो डिप्लॉइडी, इस विधि को हम मधुमक्खी विधि भी कहते हैं, मधुमक्खी विधि, आप लिखना चाहें तो हनी बी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक लिंग अगुणित होता है और जो दूसरा लिंग होता है वो होता है द्विगुणित। ठीक है, तो पहला लिंग अगुणित, दूसरा लिंग द्विगुणित। अब ये जो विधि है आप लिख लीजिए, ये कुछ कीटों में मिलती है, कुछ मक्खियों में मिलती है, विशेषकर मधुमक्खियों में, चींटियों में और ततैयों में। ततैये क्या होते हैं, मधुमक्खी तो आपकी भूरे से रंग की होती है, चॉकलेट से रंग की, मधुमक्खी जैसे आकृति वाली एक पीले रंग की होती है जिसको टाटिया, ततैया, बरैया कहते हैं, पीले रंग की, जहाँ पर ज़्यादा मीठे का काम होता है, हलवाई की दुकान होती है मीठे की, स्वीट शॉप होती है, वहाँ पर ये मंडराती भी मिलती हैं। ठीक है, अब ये विधि ना बहुत अच्छी है, देखिए इधर ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये हम बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें जो मादा होती है, मादा माने फीमेल, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये कैसी होती है, ये होती है द्विगुणित। टू एन, अब मादा में होता है युग्मक जनन, मादा द्विगुणित है तो युग्मक जनन किसके द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, माने मियोसिस के द्वारा, तो अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक जनन, अर्धसूत्रण के द्वारा युग्मक जनन हो गया, ठीक है, और इसमें आपको युग्मक मिल गए, ठीक है, तो युग्मक और युग्मक, और ये युग्मक कैसा है, अगुणित, ये भी युग्मक कैसा है, अगुणित। ठीक है, ये तो मादा की कहानी हो गई। अब है नर, नर इसमें, नर को आप कैसे दिखाते हो, ऐसे, और नर इसमें कैसा होता है, अगुणित या एक गुणित या हैप्लॉइड। जो जीव पहले से ही अगुणित है तो उसमें युग्मक जनन होगा तो सही, लेकिन अर्धसूत्रण के द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होगा, समसूत्रण के द्वारा,
इसमें समसूत्रण द्वारा युग्मक जनन, और इसमें क्या बन जाता है युग्मक, और समसूत्रण है तो जनक अगुणित है तो युग्मक भी कैसा होगा अगुणित। अब इस युग्मक में और इस युग्मक में क्या होगा, इसमें होगा लैंगिक जनन माने निषेचन। निषेचन माने युग्मकों का क्या संलयन, और इससे बनेगा युग्मनज, और ये युग्मनज को हम कहते हैं जाइगोट, और ये कैसा होगा द्विगुणित। और इससे जो जीव उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे मादाएं माने फीमेल्स, और मादाएं कैसी होंगी द्विगुणित। ठीक बात है बिल्कुल। अब मादाएं भी, अब जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें षटकोणीय हेक्सागनल कमरे होते हैं, ये आपने देखा ही होगा, बाजार में किसी शहद की बोतल खरीद के लाओ तो हर एक शहद की बोतल पे इसी तरह का ऊपर से डिजाइन बना हुआ होता है। तो ये जो बीच वाला कक्ष होता है ना कमरा, इसमें जो भोजन होता है वो भोजन बहुत उत्तम गुणवत्ता युक्त होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मादाएं ना ये दो प्रकार की हो जाती हैं, चार से पांच मादाएं शाही जेली माने रॉयल जेली का भक्षण करती हैं, रॉयल जेली का भक्षण करती हैं, ठीक है। चार से पांच मादाएं शाही जेली खा लेती हैं, और ये किस में विकसित होती हैं, रानी मक्खियों माने क्वीन बीज के रूप में विकसित। अब इनमें आपस में लड़ाइयां होती हैं, उसको कहते हैं अंतरा जातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरा जातीय प्रतिस्पर्धा माने इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। आपस में लड़ती हैं, और इसमें से एक ही जीवित रहती है, उसको हम क्या कहते हैं रानी मक्खी। तो वो यहां लिख देते हैं, एक ही जीवित रहती है और इसे हम कहते हैं रानी मक्खी। माने क्वीन बी, और ये रानी मक्खी कैसी होती है, इसके लक्षण देखो, ये मादा है, ये द्विगुणित है, ये उर्वर है। उर्वर का मतलब ये अंडे दे सकती है, ये जनन कर सकती है, ये आकार में बड़ी होती है,
और ये अत्यंत सुंदर होती है, ये बहुत आकर्षक होती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, मजे में रहती है, अंडे देती रहती है, घूमती रहती है मजे से, ठीक है। अंडे देना या फिर प्रजनन करना, काम कुछ नहीं करती, शाही जीवन जीती है, अंडे देती है बस, बच्चे पैदा करती है, खाती पीती है, घूमने जाती है शाम को, खत्म। और ये अब छत्ते में तो सैकड़ों मक्खियां होती हैं मादा जो बनती हैं, तो बाकी जो शेष मादाएं होती हैं, शेष मादाएं जो कम गुणवत्ता वाला खाना होता है, उसे कहते हैं मक्खी की रोटी। मक्खी की रोटी माने बी ब्रेड का भक्षण करती हैं। ठीक है, शेष मादाएं मक्खी की रोटी का भक्षण करती हैं, इनको खा जाती हैं, और वो फिर ज्यादा बड़ी सुंदर नहीं हो पाती। वो किसके रूप में विकसित होती हैं, श्रमिक, श्रमिकों माने वर्कर्स रूप में विकसित। अच्छा, ये जो बेचारी श्रमिक होती हैं, इनके लक्षण क्या हैं? ये हैं तो मादाएं, ये हैं द्विगुणित, ये लेकिन उर्वर नहीं होती, ये अंडे नहीं दे सकती, क्योंकि इनमें जो विकास है वो भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर है। इनको इतना अच्छा खाना बिचारियों को मिलता ही नहीं है कि वो उर्वर हो सकें, तो ये होती हैं बंधे, ठीक है। और ये होती हैं आकार में छोटी, और ये सुंदर नहीं होती हैं, तो हम लिख सकते हैं असुंदर। तो ये बेचारी करती क्या है, कार्य लिख लो आप अपने आप इनके नीचे, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कार्य, आगे आप लिख लो ये क्या करती हैं। ये पराग एकत्रण करती हैं, फूलों से रस चूस चूस के लाती हैं, उनका शहद बनाती हैं, छत्ते का निर्माण करती हैं, अलग अलग तरह। इनमें ना श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कुछ तो फूलों से रस पराग लेकर आएंगी, कुछ वो बनाएंगी, शहद बनाएंगी, कुछ जो है छतों का निर्माण करेंगी, कोई टूट फूट होगा तो उसको ठीक करेंगी। तो इस तरीके से ये मादाएं दो प्रकार की हैं। अब ये तो था जो मादा युग्मक था, वो नर युग्मक से संलयित हो गया। अब ये वाला जो युग्मक है, ये संलयन नहीं करता, और ये बिना निषेचन, वह बिना अर्धसूत्रण के विकास करता है, और क्या बनाता है, ये बनाता है नर, और इस नर का नाम होता है ड्रोन। क्या होता है, ड्रोन। और ये ड्रोन्स कैसे होते हैं, ये ड्रोन्स होते हैं नर, ये ड्रोन्स होते हैं अगुणित, ये ड्रोन्स होते हैं उर्वर, ठीक है। ये होते हैं आकार में मध्य, ये मध्यम आकार के होते हैं, सबसे बड़ी रानी, फिर ड्रोन, फिर सबसे छोटे श्रमिक। और इनके कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रानी मक्खी से जनन। ये भी निकम्मे होते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है। शाम के समय ना रानी मक्खी उड़ान भरती है, जिसको कहते हैं मैथुन उड़ान, मैं यहां लिख रहा हूं, इसे कहते हैं मैथुन, मैथुन उड़ान माने नपशियल फ्लाइट। और ये सारे के सारे सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं वो रानी के पीछे पड़ जाते हैं। इन सभी ड्रोन्स में से एक ड्रोन है जो रानी तक पहुंच पाता है, और वो रानी से जनन करने में सक्षम होता है।
ठीक है। सो ये हो गया आपका ड्रोन, और बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्रण के जो विकास होता है उसको कहते हैं अनिषेक जनन, माने पार्थिनो जेनेसिस, पार्थिनो जेनेसिस। या फिर इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है अर्हिनो टॉकी। अगर किसी युग्मक से केवल नर विकसित होते हैं बिना निषेचन के उसको अर्हिनो टॉकी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार की मादाओं में ये जो अंतर आया है ये पोषण की अलग अलग गुणवत्ता मिलने से आया है, इसीलिए उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये बिना अर्धसूत्रण के युग्मक बनाते हैं, जबकि जो मादाएं होती हैं जो रानी मक्खी होती है वो अर्धसूत्रण से या अंडोत्सर्जन के द्वारा ये युग्मक बनाती है, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार के जीव होते हैं, कौन कौन से? रानी मक्खी, श्रमिक और नर। अब एक और महत्वपूर्ण बात मुझे आपको बतानी है कि ये शहद क्या होता है। शहद, अब मैं आपको शहद, किस किस को पसंद है हाथ खड़े कीजिए। शहद मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है, और शहद में बड़ी गुणवत्ता भी होती है। शहद में आप उसमें, मैंने उस चैप्टर में पढ़ा रखा है, कौन सा था वो, भोजन का पाचन है ना और अवशोषण, तो उसमें इसमें आपके शहद में खनिज पदार्थ होते हैं, कैल्शियम होता है ना, और सुक्रोज होता है। सुक्रोज क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, जो आपके फूलों की जो शर्करा होती है, और ये बहुत ऊर्जा देता है। भाई चीनी जो बनती है, चीनी तो रसायनों से बनती है, तो अगर हम चीनी की जगह अपने मीठी चीज़ों में शहद डालें तो हमारी डायबिटीज़ भी गड़बड़ नहीं होगी, अगर किसी को डायबिटीज़ होगी है ना, और बड़ा अच्छा रहेगा। शहद, शहद में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके बाद आप शहद खाना छोड़ना मत। अब शहद बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम गाय का दूध पीते हैं। भाई जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके से परिवर्तित ये स्वेट ग्रंथियां होती हैं ना, सीबम ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथियों का ये तो स्रावण है। तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, ये फलों से रस को पी लेती हैं और लेकर आती हैं छत्ते तक, और फिर क्या करती हैं, ऐसे देखो कुल्ला ऐसे थूक देती हैं। तो शहद वास्तव में इन मक्खियों का उल्टी होती है, ठीक है। लेकिन ये मक्खियां पूर्ण रूप से शाकाहारी होती हैं और ये कोई बीमारियां भी नहीं फैलाती। तो ये बिल्कुल एक, असल में होता क्या है, शहद का मतलब होता है पुष्पों का पराग प्लस श्रमिक मक्खियों की के उप मैक्सिलरी या सब मैक्सिलरी ग्रंथियों का स्त्रावण। मैंने आपको पाचन वाले अध्याय में बताया हुआ है कि जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। कान के पास जो होती हैं पैरोटिड, जीवा के नीचे जो होती हैं उसे कहते हैं उप लिंगुअल या उप मैक्सिलरी, वही, और तीसरी होती है कौन सी, क्या, मैंडिबुलर है ना। तो इसी तरीके से ये भी लार उत्पादन करने वाली ग्रंथियों का रस होता है और पुष्पों का रस होता है, वो मिलकर शहद बनाता है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के लिंग निर्धारण में जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, इस स्त्री के बेटी भी है और इस स्त्री के बेटा भी है, मतलब एक मादा के लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक नर के केवल पुत्रियां ही हो सकती हैं। माने एक पुरुष कभी भी लड़के का बाप नहीं बन सकता, उसकी बेटियां ही बेटियां होंगी, ठीक है। तो इसके बेटा नहीं होगा, इसके सिर्फ बेटी होंगी, लेकिन लड़की के लड़का लड़की दोनों होंगे।
मतलब ये ना तो लड़के का बाप बन सकता है ना दादा बन सकता है, लेकिन हाँ ये लड़के का नाना बन सकता है, नाना जी बन सकते हैं, इसके देवता हो सकता है, नाती हो सकता है, मतलब इसके ये बेटी होगी और बेटी के फिर बेटा हो सकता है। याद रखना इस तरह का क्वेश्चन ये काफी पूछा जाता है। अब क्योंकि हम मधुमक्खी के बारे में इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो ये है कि ये जो मधुमक्खियां हैं, श्रमिक मधुमक्खियां, ये दो तरीके के नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। तो श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किए जाने वाले दो प्रकार के नृत्य, ठीक है, जो दो डांस करती हैं वो मक्खियां, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डांस होता है वृत्ताकार नृत्य, मतलब राउंड डांस। जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता है पूरा, तो एक जो श्रमिक मधुमक्खी है वो पराग ढूंढने गई है। अब वो पराग ढूंढ के आ गई अपने छत्ते के पास, अब उसे बताना है कि फूल कितनी दूर है। तो वो क्या करेगी, ये जैसे मधुमक्खी है, ये अपने छत्ते के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी। इसको कहते हैं गोलाकार या वृत्ताकार नृत्य या राउंड डांस। इसका मतलब है कि भोजन का स्रोत पास है, पास स्थित है। पास स्थित है का मतलब है 100 मीटर से कम दूरी पर, 100 मीटर से कम दूरी पर। दूसरा जो नृत्य होता है वो होता है वैग पूंछ नृत्य, माने वैग टेल डांस। वैग पूंछ नृत्य में क्या होता है, ये मधुमक्खी का छत्ता है इस तरीके से, तो मधुमक्खी आएगी, ये मधुमक्खी है ऐसे इस तरीके से, बड़े शार्प नुकीले नृत्य करेगी। इसका मतलब है भोजन का स्रोत दूर स्थित है, दूर स्थित है माने 100 मीटर से अधिक दूरी पर। सौ मीटर से अधिक दूरी पर, ठीक बात है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया एक गुणिता द्वि गुणिता, माने इसमें भी गुण सूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है, लेकिन एक लिंग द्विगुणित होता है जो अधिकांशतः मादाएं होती हैं, और दूसरा लिंग अगुणित होता है जो अधिकांशतः नर होते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर आपका खत्म होता है लिंग निर्धारण। अच्छा, मनुष्य में लिंग निर्धारण हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। अब अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, वो है लिंग निर्धारण का जीन संतुलन सिद्धांत।
ठीक है बेटा, ये जो सिद्धांत है ये जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था कैल्विन ब्रिजेस, और कैल्विन ब्रिजेस थॉमस हंट मॉर्गन, जो अभी हम दो तीन क्लासेस के बाद शुरू करेंगे प्रयोगात्मक अनुवांशिकी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, उसके जनक थे। तो ये है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का जीन संतुलन सिद्धांत, माने जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कैल्विन ब्रिजेस ने। कौन से सन में दिया था? ये दिया था 1926 में। और कैल्विन ब्रिजेस ने ये किस पर दिया था? ये दिया था फल मक्खी पर, फल मक्खी, माने ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, पर ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के संतुलन के आधार पर होता, और वो उस अनुपात को हम कहते हैं एक्स बटे ए अनुपात, अनुपात द्वारा, माने एक्स गुणसूत्र और ए माने ऑटोसोम्स, अलिंगी गुणसूत्र, इनके अनुपात द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण। समझ में आई आपको बात? और इस सिद्धांत के अनुसार एक ड्रोसोफिला के परिवार में या ड्रोसोफिला के समष्टि में, जनसंख्या में, पांच प्रकार के जीव होते हैं जो लैंगिक अकारिकी के रूप से पृथक किए जा सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें एक सारणी, एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो है क्रमांक संख्या, ठीक है, फिर है आपका गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय स्वरूप, माने क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, फिर आता है आपका एक्स बटे ए अनुपात, फिर आता है इस अनुपात का मान क्या है, और आखिरी में आती है लैंगिक आकारिकी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है जो ये था 3 बार x+2 ऑटोसोम्स, 3 बार x+2 ऑटोसोम्स, इसको देखो 3x है और 2 ऑटोसोम है, तो 3/2 = 1.5, ठीक है, और इसका मान कितना हो गया? 1 से अधिक, 1 से अधिक। तो अगर किसी ड्रोसोफिला में ये मान आएगा तो वो क्या होगी? अधिमादा। क्या होगी? अधिमादा, माने मेटा या सुपर फीमेल।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर दो है, जब तीन एक्स होते हैं और तीन ही ऑटोसोम्स होते हैं, या नंबर तीन है जब दो एक्स होते हैं उसके साथ दो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 3/3 हो गया एक, और 2/2 भी हो गया एक, तो इसका मान क्या हो गया, एक माने इकाई। और अगर मान एक आता है तो वो होती हैं मादाएं माने फीमेल्स, ठीक है। नंबर तीन मतलब नंबर चार, इसमें या तो होता है 3x के साथ 4a, या फिर होता है 2x के साथ 3a। तो 4/3 हो गया 0.75, और 2/3 हो गया 0.67। तो इसका मान एक से तो कम है लेकिन आधे से ज्यादा है, तो आधे व एक के मध्य। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्स माने मध्यलिंगी, मध्यलिंगी माने इंटरसेक्स, ठीक है। अगला हो गया आपका एक्स वाई प्लस दो ऑटोसोम्स, या एक्स ओ प्लस दो ऑटोसोम्स। तो ये 1/2, ये भी 1/2 बराबर 0.5 बराबर 0.5, ये वैल्यू हो गई, ये मान हो गया आधा, और इसमें उत्पन्न होते हैं नर माने मेल्स, ठीक है। और आखिरी एक और होता है, उसमें एक्स वाई और तीन ऑटोसोम्स होते हैं। सो 1/3 ये हो गया 0.33, तो ये होते हैं अधि नर। क्या होते हैं, अधि सॉरी, इसका मान हो गया आधे से कम, तो ये हो गए अधि नर माने मेटामेल्स या सुपर मेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्रोसोफिला की जनसंख्या में 5 प्रकार के जीव होते हैं जिनकी लैंगिक आकार की अलग अलग होती है, अधि मादाएं, मादाएं, मध्यलिंगी, नर और अधि नर। इसमें से जो अधि नर होते हैं ये होते हैं बंध्य, ये होते हैं बिल्कुल नपुंसक बंध्य, और जबकि मादाएं जो हैं ये खाली प्रजननहीन होती हैं, ये जनन नहीं कर सकती, अंडोत्सर्ग कर सकती हैं जनन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंग निर्धारण का जीन संतुलन सिद्धांत, इसकी वैल्यूज इसके मान आपको याद रहने चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, वो है कैरियोटाइप, ठीक है, देखते हैं। बेटा कैरियोटाइप क्या होता है, क्या एक जीव की किसी एक कोशिका से जब समस्त गुणसूत्रों को बाहर निकाल लिया जाता है तब उसे कैरियोटाइप कहते हैं। जैसे मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र हुए, 46, बड़ा सरल है। और अगर इन गुणसूत्रों को समजात जोड़ों में, अगर यदि इन गुणसूत्रों को समजात जोड़ों में होमोलोगस ग्रुप में आकार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो उस चित्र को
हम कहते हैं ईडियोग्राम, क्या कहते हैं ईडियोग्राम। और ईडियोग्राम बनाने के लिए या कैरियोटाइप का अध्ययन करने के लिए जो कोशिका विभाजन की सर्वोत्तम अवस्था होती है उसको हम कहते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज। ये कोशिका विभाजन में पड़ेगी क्योंकि मध्यावस्था में गुणसूत्र सबसे मोटा, सबसे चौड़ा और सबसे मतलब उसकी संरचना पूर्ण दिखाई पड़ती है और गुणसूत्र अपने आप को मध्यावस्था पट्टलिका मतलब मेटाफेसिक प्लेट पर व्यवस्थित करते हैं। वैसे तो अब हमें पढ़ना है मनुष्यों का कैरियोटाइप, मनुष्यों का कैरियोटाइप मनुष्यों के कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसमें से 44 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स और 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, पुरुषों में XY और स्त्रियों में XX। और हमारे मनुष्यों का जो कैरियोटाइप है वो सबसे अच्छा डेनवर प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, माने डेनवर सिस्टम। तो हमारे डेनवर सिस्टम के अनुसार डेनवर ने मानव गुणसूत्रों को 9 वर्गों में बांटा। तो इसके लिए भी हम एक सारणी बनाएंगे, वो है क्रमांक संख्या, दूसरा है वर्ग, जो गुणसूत्रों का उन्होंने वर्ग रखा है, ठीक है। फिर है उस वर्ग में कौन कौन से गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र संख्या, ठीक है। अगला है इनका आकार, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, मध्यम है। फिर है इनकी आकृति। आपको तो पता है आकृति गुणसूत्रों की 4 प्रकार की होती है, मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अग्र केंद्री और अंतः केंद्री। अंतः केंद्री माने टीलोसेंट्रिक, वो हमारे मनुष्य में पाए नहीं जाते, ठीक है। और मैंने आपको पिछले क्लास में गुणसूत्रों की संरचना बताई थी, तो उसमें जो सैट है, सैटेलाइट, उसकी उपस्थिति है या नहीं है। तो ये सब हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी बिना किसी अवरोध के, और ये याद करना बड़ा सरल है। तो सबसे पहले है आपका वर्ग माने ग्रेड ए, और इसमें गुणसूत्र है 1 से लेकर 3, और इसमें जो गुणसूत्रों का आकार है वो है सबसे बड़े, और इनकी आकृति क्या है, मध्य केंद्री माने मेटासेंट्रिक, आपको इंग्लिश में पता है। और इसमें क्या सैटेलाइट होती है, इसमें सैटेलाइट नहीं होती, ठीक है। नंबर 2 में है ग्रेड बी, इसमें आते हैं गुणसूत्र संख्या 4 और 5, और इसमें इनका आकार क्या होता है, मध्यम बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मध्यम नहीं होते, बीच के होते हैं। फिर इसमें जो आकृति होती है वो होती है उप मध्य केंद्री, और क्या इसमें सैटेलाइट होती है, बिल्कुल नहीं होती। तीसरे नंबर पे जो होते हैं वो होते हैं ग्रेड सी, इसमें गुणसूत्र संख्या सबसे ज्यादा इसी में है, 6 से 12, और इसमें जो गुणसूत्रों का आकार होता है वो होता है मध्यम, और इनकी आकृति होती है उप मध्य केंद्री। आपको अच्छे से पता है मध्य केंद्री की वी आकृति होती है, मैं यहां वी लिख दे रहा हूं, उप मध्य केंद्री की क्या होती है, एल आकृति होती है ना। और क्या इसमें सैटेलाइट होती है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तीसरे चौथे होते हैं ग्रेड डी में गुणसूत्र संख्या 13 से 15 आते हैं, ये भी मध्यम होते हैं। तो फिर ये अलग क्यों है, क्योंकि इस ये होते हैं अग्र केंद्री माने एक्रोसेंट्रिक, माने इनकी आकृति कैसे होती है, जे आकृति, और इसमें क्या सेट होता है, बिल्कुल होता है। आपको याद है 13, 14, 15, 21, 22 और Y, ऐसे पढ़ा था हमने। फिर आपके ग्रेड डी के बाद अगला होता है ग्रेड ई, उसमें होते हैं ग्रेड ई
इसमें होते हैं 16 से 18 तक, और इसमें आकार होता है मध्यम छोटे, मध्यम छोटे, और इसमें कुछ गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य केंद्रीय होते हैं, कुछ उप मध्य केंद्रीय होते हैं। मध्य केंद्री व उप मध्य केंद्री, और क्या इसमें सैटेलाइट होती है? नहीं होती। ठीक है, अगली जो वर्ग है वो है एफ, और एफ में होते हैं ग्रेड एफ, एफ में होते हैं 19 और 20, और इनका आकार क्या होता है? छोटे, और इनकी आकृति क्या होती है? मध्य केंद्रीय, मध्य केंद्रीय। क्या इसमें सैट होता है? सैटेलाइट नहीं होता है। अगला जो है नंबर 7वां वर्ग है ग्रेड जी, इसमें होते हैं 21-22, ये होते हैं सबसे छोटे, सबसे छोटे, और ये भी कैसे होते हैं? मध्य केंद्रीय। और 21-22 में आपको पता है कि जो सैटेलाइट है वो उपस्थित होती है। ठीक है, अब हमारे 7 वर्ग तो हो गए, अब इसमें 8वां और 9वां वर्ग कैसे होगा ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8वां जो है वो है एक्स गुणसूत्र। कैसा है? एक्स, एक्स जो है इसमें एक्स ही आएगा, और इनका जो आकार होता है वो मध्यम होता है। मध्यम, मध्यम माने मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वर्ग सी के समान, लेकिन इनकी आकृति उप मध्य केंद्रीय नहीं होती, एक्स गुणसूत्र मध्य केंद्रीय होता है। ठीक है, मध्य केंद्रीय। और क्या इसमें सैट होती है? इसमें सैट बिल्कुल नहीं होती। और आखिरी नंबर 9, ये है वाई गुणसूत्र। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जो वाई गुणसूत्र होता है वो सबसे छोट मतलब काफी छोटा होता है, तो ये होता है सबसे छोटा माने वर्ग जी के समान, माने सबसे छोटा तो हो गया, लेकिन इसका आकार होता है सॉरी आकृति होती है एक्रोसेंट्रिक माने अग्र केंद्रीय। और इसमें सैटेलाइट होती है, तो वैसे ये ग्रेड जी के समान होता है, लेकिन ये चीज फर्क होती है, अगर ऑप्शन में लिखा हो कितने वर्गों में बांटा जाए और आपके विकल्प हो 9, 8, 7, 6, तो आंसर होगा 9। अगर 9 विकल्प में ही ना हो तब आप आंसर क्या करेंगे? 7, क्योंकि एक्स को आप इसकी तरह मान लेंगे और वाई को इसकी तरह। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये तो था मनुष्यों का कैरियोटाइप, और दो आप दो वैज्ञानिकों के नाम लिख लीजिए, एक था टीजो और एक था लिवान, ये स्वीडन के थे, और इन्होंने बताया था कि मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं जिनको आप ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ा जो आखिरी जोड़ा होता है उसको आप लिंग गुणसूत्र कहते हो, है ना। अब आखिरी में चलते चलते हमने मनुष्यों का कैरियोटाइप पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला फल मक्खी का कैरियोटाइप। ड्रोसोफिला माने फल मक्खी का कैरियोटाइप। ठीक है, ये जो फल मक्खी है ड्रोसोफिला, इसका जो कैरियोटाइप होता है ये द्विगुणित जीव है, और इसमें होते हैं 2n = 8, माने 8 गुणसूत्र है, माने गुणसूत्रों के 4 जोड़े हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रथम जोड़ा है यहां पर लिख देते हैं 4 जोड़े गुणसूत्र,
जो प्रथम जोड़ा है वो है लिंग गुण सूत्रों का, और जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो जोड़े हैं ये हैं अलिंग गुण सूत्रों के। और इसमें से जो चौथा जोड़ा है वो सबसे छोटा है। और ये जो पहला जोड़ा लिंग गुण सूत्रों का है इसके हिसाब से जो XX होती हैं वो मादाएं होती हैं और जो XY होते हैं वो नर होते हैं। माने मादाएं हैं समरूपी और नर हैं विषमरूपी। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपका ये आज का जो कक्षा है, जो टॉपिक है, जो विषय है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रयोगात्मक अनुवांशिकी। क्या पढ़ेंगे? प्रयोगात्मक अनुवांशिकी माने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और उसमें थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। धन्यवाद।